नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेवडासन बेवडास कॉन को लेके क्या कुछ अपडेट्स है बात करेंगे दोस्तों बेवडॉस कॉइन की बर्निंग की बात करेंगे दोस्तों बेवडासन का बर्न पोर्टल लाइव हो गया है डिटेल में देखेंगे क्या कुछ अपडेट्स एंड बात करेंगे दोस्तों वोल्टिनू बोल्टिन क्या कर रहा है क्या कुछ करने जा रहा है मतलब पहला बर्निंग काफी सक्सेसफुल रहा डिटेल में देखेंगे बोल्टन को लेकर और क्या कुछ अपडेट्स एंड आने वाले दिनों पर और क्या कुछ हो सकता है तो शुरुआत तो करेंगे दोस्तों यू एस डेटा से अब यूएस सीपीआई डेटा आने के बाद मतलब अगर हम देखेंगे सिक्स का फोरकास्ट हुआ है अगर हम देखेंगे आया है सी डेटा एंड पहले वाले से भी है, अगले मंथ जो था दोस्तों दिसंबर महीने में 6.2 था उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत यहां पर हाइक देखने मिला एंड जिसके बाद हमें यहां पर कॉइन एंड बात करेंगे दोस्तों पूरी क्रिप्टो मार्केट में एक छोटा सा पंप एंड का एक सीरीज मतलब एक चल रहा है अच्छा खासा एंड एंड चल रहा है बट फिलहाल के लिए ट्रेड लेना मतलब आने वाले 24 आवर के लिए ट्रेड लेना काफी क्रिटिकल हो सकता है कभी कभी भी नीचे जा सकता है थोड़ा ध्यान रखना अगर 24 फोर आवर यहाँ पर ठीक ठाक चला गया तो उसके बाद दोस्तों कोई भी यहां पर खतरा नहीं रहेगा बात करेंगे दोस्तों कुछ मेजर पॉइंट की बोल्टेनू की क्या कुछ चल रहा है उसके बाद बेबुडॉस कॉइन की बात करेंगे अब वोल्टेनू दोस्तों फाइनली अपना पहला बर्निंग कंप्लीट कर लिया है एंड पहला बर्निंग में वोल्टिनो लगभग 8.97 ट्रिलियन अगर मानेंगे तो 9 ट्रिलियन के आसपास का बर्निंग किया है एंड वोल्टिनो तो दोस्तों बर्निंग करना था यहाँ पर अगर हम देखेंगे 44.85 फोर ट्रिलियन जो कि अगर हम बात करेंगे 45 ट्रिलियन के आसपास एंड पहला बर्निंग अगर हम बात करेंगे यहाँ पर उसका क्वांटिटी घटा दिया है क्यों घटाया है उसके पीछे का भी रीज़न है जैसे कि अगर हम आएंगे दोस्तों वोल्टिन का पेज पे आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो मतलब आज यहाँ पर 14.9 मिलियन डॉलर का वोल्टिन को बर्न आउट किया गया है एंड पहली बर्निंग हुएंगे पहली बर्निंग इन द सेंस दोस्तों एक साथ इनको बर्न करना था होल्ड टोकन अगर हम बात करेंगे फोर्टी ट्रिलियन के आसपास बट इन्होंने इसको क्या किया फाइव स्टेप पर बर्न करने वाले हैं तो फर्स्ट बर्निंग उसके बाद सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पांच स्टेप में इन्होंने 44 ट्रिलियन को बर्न करेंगे एंड यहां पर इसका रीजन भी अगर हम देखेंगे एक तरीके से अच्छा भी हुआ वोल्टेन होल्डर्स के लिए क्योंकि एक झटके में अगर बंद कर देते तो हाइप देर सो यहां पर एक झटके में खत्म भी हो जाता बट धीरे धीरे करके पांच स्टेप में इतना बड़ा बर्निंग कर रहे हैं क्वांटिटी में तो कहीं ना कहीं मार्केट बुल ट्रेंड अगर गया तो इसके साथ इस स्क्वायर में भी आपको टू एक्स थ्री एक्स का प्रॉफिट एंड उससे ऊपर का भी मिल सकता है क्योंकि अगर हम बात करेंगे चाहे लिक्विडिटी का बंद करो चाहे कहीं पर भी बंद करो बर्निंग हो रहा है मतलब सर्कुलेटिंग सप्लाई से वो हट जाएगा एंड सर्कुलेटिंग सप्लाई से हटेगा तो ये कहीं ना कहीं एक मेजर इंपैक्ट पढ़ सकता है अब यहां पर सिर्फ वोल्टिन को लेकर दोस्तों इतना ही अपडेट नहीं अगर हम बात करेंगे जो लिस्टिंग यहां पर एक छोटा एक्सचेंज पे होता हुआ दिखा जैसे कि आप देख सकते हो जेपी टोकन पे इनका लिस्टिंग हो गया है एंड अगर हम बात करेंगे वोल्ट इन भी एक पोल एंड वोटिंग को भी रखा गया जहां पर कि अगर हम बात करेंगे 24 फोर आवर का टाइमिंग दिया गया टाइम फ्रेम एंड इस पे दोस्तों अगर वोटिंग पे पास आउट हो जाता है तो आने वाले दो हफ्ते में यानी कि दोस्तों 15 डेज के अंदर वोल्टिनो जो लिक्विडिटी बात करेंगे 25 परसेंट यहां पर यूनिशॉप पे लिस्ट हो जाएगा जो कहीं ना कहीं बात करेंगे पॉलीगॉन नेटवर्क पे होने वाला है सो so, देखेंगे अगर वोल्टो काफी अच्छा तगड़ा भी प्रॉफिट यहाँ पर हमें दे सकता है सो so, अभी हम बात करेंगे दोस्तों कॉइन को लेके क्या कुछ अपडेट्स है आप कॉइन आप देख सकते हो 43, 45 के जोन के आसपास ये ट्रैवल करने लगा है मतलब 11 से लेके 45, फाइव ऑलमोस्ट चार गुना प्रॉफिट दे चुका है कॉइन ने विद इन ए वन मंथ एंड इसके पीछे का रीजन मैंने आपको दो तीन वीडियो में बताया कि बर्निंग एंड फाइनली बेवडासन ने अपना बर्निंग पोर्टल को यहाँ पर बर्न पोर्टल को लाइव कर दिया गया है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एंड बर्न पोर्टल लाइव होते ही अगर हम बात करेंगे लास्ट ट्वेंटी फोर आवर के अंदर बर्न पोर्टल जब से लाइव हुआ है उसके बाद सिक्स हंड्रेड एंड फाइव बिलियन टोकन बेबुडॉज कॉइन को बर्न पोर्टल के थ्रू बर्न किया गया है एंड लास्ट ट्वेंटी फोर आवर की बात करेंगे दोस्तों बेवडॉज कॉइन की बर्निंग जो है वो बहुत हाई लेवल का बर्निंग यहाँ पर वेबडाज कॉइन कर रहा है अगर आप देखोगे यहाँ पर 53 थ्री ट्रिलियंस के आसपास ऑलमोस्ट लास्ट 24 फोर आवर में वेबुडॉज कॉइन यहाँ पर बर्नआउट हो चुका है जो अगर हम बात करेंगे हर रोज अगर हम देखेंगे 50, 80, 100, 200 इस तरीके का ट्रिलियंस वर्नआउट होते गया तो आने वाले दो तीन सालों में वेबुडाज कॉइन कुछ अच्छा कर सकता है अगर ये बर्निंग ये कंटिन्यू करते हैं उसके साथ अगर हम देखेंगे यहाँ पर वेबुडॉज कॉइन को अगर आप बर्नआउट करना चाहते हो वर्न पोर्टल के थ्रू तो यहाँ पर आपको सिंपल दोस्तों इसका वेबसाइट पे आना है जैसे कि मैंने अपना वॉलेट कनेक्ट किया है वॉलेट कनेक्ट करना है एंड आपके वॉलेट पे वेबिडॉज कॉइन होना है या फिर आपके पास नहीं है तो वेबिडाज कॉइन यहाँ से आपको ग्राफ करके बर्न करना पड़ेगा अब यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रिलियंस यहाँ पर ट्वेंटी फाइव ट्रिलियंस तक है फाइव बिलियन से लेके तो अगर हम यहाँ पर टेन ट्रिलियन का भी वेबडोज कॉइन को बर्निंग करेंगे तो यहाँ पर आपको एनेबल्ड बेबिडॉज कॉइन दिखा रहा है एंड मेरे यहाँ पर इनसफिशिएंट फंड दिखा रहा है तो हमको यहाँ पर क्या होगा बाय करना पड़ेगा तो बाय करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा दोस्तों ऊपर जो है बाय पे क्लिक करना है बाय पे क्लिक करके यहाँ पर अपना बी एन बी सॉप करके बाय कर सकते हो बट अपने पास इतना पैसा कहाँ कि बेबुडॉस कॉइन को हम फूँकते फिरेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने बेबडॉस कॉइन एंड दूसरे मेम्स टोकन पे पर हज़ार दो हज़ार का इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर सपना बुन के रखे हैं कि चलिए दो तीन जीरो किल हो जाएगा तो हम पैसे वाले बन जाएंगे तो बर्निंग तो अपने से होगा नहीं बर्निंग के लिए दोस्तों वेल्स का ही यहाँ पर देखेंगे एंड बड़ी इन्वेस्टर ही ये कर सकते हैं तो देखते हैं दोस्तों आने वाले दो महीने के अंदर मतलब फेबर मार्च अप्रैल महीने का फर्स्ट तक यहां पर जो भी बर्निंग होगा उसका एक टोकन हम कॉइन को यहां पर बर्निंग होगा इसका मतलब पांच टोकन ये बर्निंग करेंगे जैसे कि आप देख सकते हो ऑलमोस्ट यहां पर सिक्स हंड्रेड बिलियन टोकन बर्न आउट हो चुका है तो यहां पर इसका पांच गुना टोकन इस बर्न करने वाले हैं इसका फाइव टाइम्स टोकन बर्न करने वाले हैं बेबडासक जो इसका कि एस्टिमेटेड अगर हम देखेंगे लगभग थ्री ट्रिलियन का आसपास आ जाता है तो ये कुछ डिटेल्स अपडेट था दोस्तों कॉइन को लेके क्या कुछ चल रहा है क्या कुछ हो रहा है ये कुछ डिटेल अपडेट था कॉइन का वन पोर्टल एंड वोल्टेज को लेकर सो फिर एक नए वीडियो मिलेंगे तब तक लिए नमस्कार